वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो टेक अल्स पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो को फुली कलर ग्रेड कैसे करते हो। जैसे आपको ऊपर एक वीडियो आ रही होगी आई कार्ड पे, फिर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इसी ऐप पे बनाई थी ये वाली वीडियो, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो थी। लेकिन आज मैं आपको फुल लॉन्ग वीडियो बताने वाला हूँ कि एक भाई का कमेंट आया था, यहाँ पर आपको कमेंट नजर आ रहा होगा। बोले भाई ने कमेंट किया था कैंपर 92 उनका नाम था, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था। और आज उनके लिए मैं खाली वाली, उनके लिए नहीं, मतलब आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन स्पेशली उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन भाई अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना, और जो भी सारे जितने भी आप लोग देख रहे हो आप लोग लाजमी कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि यार उससे एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है। और मैं जो चाहता है कि मैं आपके लिए वीडियोस और लाता रहूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। तो आज आपको बताना है कि फुली कलर ग्रेड कैसे किया जाता है वीडियो को A to Z, और मैं कैसे अपनी वीडियो को खुद कलर ग्रेड करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, एक जैसे सिंपल वीडियो होती है आपको बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब कलर ग्रेड वीडियो होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। और जैसे अगर आप थंबनेल तो बहुत अच्छी बना लेते हो, लेकिन अगर उसकी वीडियो का अंदर का जो मतलब अगर वो अच्छा दे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा वो वाली वीडियो को देखने में, और आप उस वाली वीडियो को स्किप कर दोगे। क्योंकि अगर आपको जितना ही वॉच टाइम मिनट्स बढ़ाना है तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ता है। देख पहले जैसे मैं एक दिन में जो है, जैसे ही मैं बताता हूँ वैसे भी कि मैं एक दिन में वैसे दो वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी, मैं आप देखता हूँ तो बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैं क्वांटिटी पे थोड़ा कम फोकस करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, ताकि आप थंबनेल पे क्लिक करके वीडियो अगर देखो तो वीडियो में क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज ही वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर खोल के सिंपली यहाँ पर सर्च बार में लिखना है कोलोरो। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोलोरो, क्योंकि वैसे भी मैं ये वाली जो पहले देखें प्रीसेट्स फॉर लाइटरूम कोलोरो वाले वैसे वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो थी वाली फुल लॉन्ग A to Z फुल ट्यूटोरियल होगा कि मैं कैसे अपनी वीडियोज़ को फुल एडिट करता हूँ, फुल ट्यूटोरियल होगा। और जैसे मैं सिंपली यहाँ पर जाके सबसे पहले कोलोरो को खोल लेता हूँ, और कलर ग्रेडिंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। जब तक आपकी वीडियोस में कलर ग्रेडिंग नहीं होती तब तक वीडियो को क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वीडियो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो देखें यहाँ पर प्लस का जो आइकॉन आ रहा है आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो भी आपने वीडियो ऐड करनी है आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीसेट्स चाहिए प्रीसेट्स भी दे देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो देखें सबसे पहले मैं ये वाली वीडियो खोल लेता हूँ, इसमें आप कोई भी म्यूज़िक चाहे तो म्यूज़िक इसमें वगैरह कुछ भी नहीं लगता, इसमें ये खाली कलर ग्रेडिंग के लिए ऐप है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक रोक लेता हूँ, जैसे स्टॉप कर लेनी है आपने वहाँ पर वीडियो जहाँ पर आपको वीडियो वहाँ से एडिट करनी हो। तो जैसे यहाँ पर एक जैसे लाइटिंग कंडीशन जहाँ से अच्छी हो या बुरी, जहाँ पर भी आपको एडिट करने हो वहाँ पर आपने रोक लेने, जिससे मैंने यहाँ पर रोक लिया। और सिंपली आपने यहाँ पर देख रहा, अगर आप चाहें तो फिल्टर्स वगैरह भी कुछ लगा सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन इनके लिए भी शायद आपको पे करना पड़ता है और या डाउनलोड भी आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद में आगे वाले सेक्शन में जो यहाँ से अच्छी वाली सबसे बेहतरीन कलर ग्रेडिंग यहीं से होती है, तो जैसे आप थर्ड वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लाइट का सेक्शन। सबसे पहले लाइट का, फिर ये WB मतलब होता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में टेम्परेचर और ट्यून दोनों होता है आपका। उसके बाद HSL मतलब स्किन वगैरह, जैसे कोई भी कलर ग्रेडिंग जो है HSL से होती है, इसलिए उनके वहाँ पर सारे कलर्स होते हैं। जैसे लाइट रूम, जैसे आपको लाइट रूम अगर चलाना आ गया तो आपको सिंपली ये वाला भी चलाना आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। लाइट रूम के ट्यूटोरियल्स भी मैं आपको लाता रहता हूँ, तो प्रीवियस वीडियोज़ को मेरी जाकर लाजमी चेक करें, उसमें मैं आपको लाइट रूम के ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे दिए, और इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बना के दिए, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप वहाँ पर ये जाके देख सकते हो। मुझे पता नहीं ये वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, लेकिन फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको ताकि छोटे से छोटा वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी इसको देखने में मज़ा आए और अच्छी लगे। तो देखें सबसे पहले मैं लाइट वाले पोर्शन में चले गए, जैसे आप यहाँ पर देखें ब्राइटनेस पहले से बहुत ज़्यादा है, तो मैं हल्की सी ब्राइटनेस को कम कर दूँगा, और इसके एक्सपोजर को भी मैं बिल्कुल हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी लाइटनिंग जब आती है वीडियो में तो अच्छी लगती है। देखिए ब्लैक जो लुक होती है वो एस्थेटिक और प्यारी तो लगती है, लेकिन अगर आपको जैसे सिनेमेटिक शॉट्स चाहिए तो उसमें थोड़ी बहुत लाइट भी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे लगे। उसके बाद मैं देखें कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रास्ट को कम करना तो रंग मतलब कलर जा रहे हैं, जैसे बढ़ा रहे हैं थोड़े कलर जा रहे हैं, तो मुझे ग्रीनरी थोड़ी चाहिए, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेता हूँ, उसकी हाईलाइट्स को भी मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद शेडोज़ को भी मैं इसके बढ़ा लेता हूँ, और एम्बियंस को भी बढ़ा लेता हूँ। देखिए एम्बियंस इस तरह माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा, और आगे प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो इस टाइप का। मैं हल्का सा प्लस कर लेता हूँ 17 तक, उसके बाद सिंपली मैं आगे चला जाता हूँ, और यहाँ देखें वाइट बैलेंस में चला जाता हूँ। वाइट बैलेंस देखिए टेम्परेचर और टिंट होता है इसमें, तो देखिए टेम्परेचर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना प्लस पे लेके जाएंगे उतना ये जो थोड़ा मतलब जो है ऑरेंज टोन में जाएगा, और जितना आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे उतना ये ब्लू टाइप की टोन देगा। तो मुझे हल्की सी ब्लू टोन देनी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल हल्का सा इसको कम कर देता हूँ, और इसके टिंट को मैं हल्का सा जैसे माइनस की तरफ ले देता हूँ, ताकि थोड़ी सी ग्रीनरी रहे, क्योंकि ग्रीन माइनस जो लेके जा रहे हैं देखें उसमें ग्रीनरी अच्छी खासी बढ़ी है। तकरीबन मैं इतना माइनस रख लेता हूँ, उसके बाद सिंपली डन कर देता हूँ। उसके बाद देखिए HSL वाला जो पोर्शन है इसमें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर पर ह्यू, सेकंड पर सैचुरेशन, थर्ड पर ल्यूमिनेंस, तो लाइट रूम में भी ये वाले सारे कलर जो लाइट रूम वाले हैं वही वाले कलर जिसमें भी हैं। तो देखें सबसे पहले ये तो ऑरेंज कलर है और रेड कलर दोनों स्किन के होते हैं, तो मैं सबसे पहले इसकी ह्यू को हल्का सा जैसे कम कर लेता हूँ, रेड की ह्यू को, और इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेता हूँ। और ऑरेंज जो होता है ये आपकी डायरेक्टली स्किन का कलर होता है, तो मैं इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा लूँगा, और इसकी ह्यू को मैं हल्का सा जैसे देखता हूँ मैं थोड़ी ब्राइट। देखें स्किन में तो फर्क आ रहा है, लेकिन देखें वीडियो में भी अच्छा खासा फर्क आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको प्लस साइड पर रखूँगा ताकि एक अच्छा लुक दे। उसके बाद मैं इसकी सैचुरेशन को हल्का सा देखिए डिक्रीज़ कर लेता हूँ, इतना तकरीबन मैं डिक्रीज़ कर
रहे थे। उसके बाद येलो देखें, येलो से देखें आपकी ग्रास का कलर देखें कम हो रहा है या तो या फिर बहुत ज़्यादा एक अच्छा हो रहा है। तकरीबन इसको प्लस साइड पर रखूँगा ताकि एक अच्छा लुक आए और मुझे ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसके बाद देखिए ब्लू वाला लुक है, ब्लू वाले को जैसे मैं हल्का सा कम कर देता हूँ, बस इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है वीडियो में, लेकिन आप कम कर दोगे तो एक अच्छा लुक आएगा। उसके बाद ये जो ब्लू कलर होता है ये आपके स्काई कलर देखें, जो अंकल ने जो शर्ट पहनी हुई है इसका भी यही वाला कलर है। देखें जितना मैं प्लस की साइड लेके जा रहा हूँ उतने पर्पल हो रहा है, और इस साइड लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा लाइट ब्लू या नेवी ब्लू टाइप का कलर बन रहा है। उसके बाद मैं हल्का सा इसको जो है माइनस की साइड पर रखूँगा और इसकी ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा बढ़ा लूँगा। पर्पल कलर में जाने के बाद मैं इसकी ह्यू को करूँगा कम और इन दोनों की ह्यू को कर दूंगा कम। उसके बाद देखें ये ग्रीन वाला कलर ये आपकी मेन ग्रास का देखें, ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो देखें माइनस की साइड पर लेके जा रहा हूँ तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने पहले भी डिसाइड होगा कि मुझे ग्रीन लुक देना है, तो इसलिए मैं ह्यू को भी बढ़ाऊंगा और उसके ल्यूमिनेंस को भी मैं हल्का सा बढ़ा लूँगा। उसके बाद डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए डिटेलिंग वाला पोर्शन, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो को शार्प करेंगे, जितना शार्प करेंगे वीडियो उतनी ही अच्छी क्वालिटी देगी और हाई क्वालिटी में सेव होगी, तो इसलिए मैं हल्की सी शार्पनिंग को भी इसकी हल्की सी बढ़ा लेता हूँ और उसके ब्लर इफेक्ट को भी हल्का सा बिल्कुल हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। ज़्यादा ब्लर नहीं करना वरना वीडियो फिर बिल्कुल देखें ब्लर हो जाती, तो मैं हल्का, क्योंकि अगर आप ब्लर इफेक्ट देते हैं जितना ब्लर इफेक्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है, आप बॉर्डर्स वगैरह कोई भी किसी भी कलर के बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हो, लेकिन मुझे बॉर्डर्स नहीं देने तो इसलिए मैं बॉर्डर्स नहीं दूंगा, क्योंकि बॉर्डर्स जो है आप अपनी दूसरी वीडियोस में तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते। जैसे अगर आपको सिनेमेटिक वीडियोस बनाने हैं तो उसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जो खाली जो ऊपर ब्लैक जो मतलब आती हैं सिनेमेटिक लुक वाली, खाली वही अच्छी लगती हैं। जो लाइन टाइप की जो आती हैं वो आप दे सकते हो वो काइन मास्टर से भी, जिससे मैं एडिट काइन मास्टर से अपनी ज़्यादातर वीडियोज एडिट करता हूँ, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए अगला सेक्शन है कलर्स का, तो मैं वाइब्रेंस को देखिए इसकी हल्का सा बिल्कुल हल्का सा बढ़ाऊँगा और तकरीबन देखिए मैं इतना ये वाइब्रेंस को मैं तकरीबन 7 कर देता हूँ और उसकी सैचुरेशन को मैं हल्का सा बिल्कुल हल्का सा देखें कम कर देता हूँ, तकरीबन इसको 8 कर देता हूँ। उसके फेड को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, देखें इतना फेड कर देते। तो देखें मैं अभी आपको देखें दिखा देता हूँ बिफोर आफ्टर, पहले वीडियो कुछ इस टाइप की थी और अब वीडियो कुछ इस टाइप की बन चुकी है, कितनी प्यारी हो चुकी है वीडियो, क्योंकि कलर ग्रेडिंग से आपकी वीडियो को एक लुक आता है। अगर आपकी देखें थंबनेल अच्छी होगी, सबसे पहली बात है थंबनेल अच्छी है, थंबनेल लोग खोल तो लेंगे, लेकिन वॉच टाइम आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी वीडियो अच्छी होगी, लोग आपकी क्वालिटी पे मतलब फोकस करेंगे और आपकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा। उसके बाद देखें इफेक्ट, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो की भले क्वांटिटी कम कर दूं, मैं चाहूं तो वीडियो में दो दिन में पहले जो है वीडियो जो है मैं एक दिन में मतलब दो वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन अब मैं इसलिए एक करता हूं कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूं। उसके बाद देखिए आप ग्लो वगैरह इसकी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा मत बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा एक ख़राब लुक देगा। उसके बाद देखिए और विग्नेट को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ और देखिए इसकी ग्रेन अमाउंट को भी मैं हल्का सा बिल्कुल बढ़ा देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर चला रहता हूँ कर्व वाला टूल सबसे अहम है, क्योंकि देखिए आपकी या तो वीडियो को बिल्कुल ख़राब कर देता है या बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक दे देता है आपकी वीडियोज़ को। तो देखिए मैं जो ऊपर वाला सेक्शन होता है हाईलाइट्स का और नीचे वाला होता है शेडोज़ का, तो मैं इसकी हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ाऊंगा और शेडोज़ को मैं इसकी हल्का सा कर दूंगा कम। उसके बाद ये रेड वाली जो टोन है इसको मैं हल्का सा बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाऊंगा और ये जो ग्रीन वाली टोन है इसको मैं हल्का सा ऊपर तकरीबन थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ कि ऊपर लेके जा रहा हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीन लुक आ रही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ग्रीन लुक नहीं चाहिए, तो मैं नीचे चला जाता हूँ। जो ब्लू वाली टोन है इसको मैं हल्का सा देखिए हाईलाइट्स इसको बढ़ा देता हूँ, तो देखिए फोटो एक वीडियो में कितनी एक सिनेमैटिक लुक आ चुकी है। उसके बाद आप इसकी ह्यू में जाके इसके कलर वगैरह कोई भी चाहो तो आप चेंज वगैरह कर सकते हो, लेकिन मुझे कलर चेंज नहीं करने क्योंकि बिल्कुल भी एक अच्छा लुक नहीं देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अगले वाले ऑप्शन पर चले जाए तो आप वीडियो को क्रॉप वगैरह कर सकते हो, जैसे अगर आपको ब्लैक वाले ऊपर जो मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, लेकिन मैं भूल गया, लेकिन इसका भी एक अच्छा सा नाम होता है, तो आप इसको क्रॉप वगैरह कोई भी वीडियो को जैसे अगर आप क्रॉप करना चाहो किसी भी शेप में, इंस्टाग्राम वाली शेप में, या देखिए 16:9 रेशो होता है, ये होता है यूट्यूब का, और मेरे 4:5 जो होता है रेशो होता है इंस्टाग्राम का, तो आप किसी टाइप का भी कर सकते हो जैसा आपका मूड हो या जहां पर भी आपको अपलोड करनी हो। लेकिन यहां पर फिल्टर्स का भी ऑप्शन आ जाता है, और अगर जैसे आपको यही वाली एडिटिंग दोबारा एक और क्लिप उठानी है ताकि आपको वीडियो बिल्कुल सेम लगे, जैसे आप मैं शुरू में इंट्रो देता हूं उसके बाद आउट्रो जो देता हूं दोनों में मैं सेम कलर ग्रेडिंग कर देता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप जितना भी सेम कर लो लेकिन उतना सेम नहीं हो पाती तो सिंपली आप यहां पर जाओगे जे वाला आते हैं। उसके बाद देखें आप अपनी इसी रेसिपी को शेयर भी कर सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो, मैं सेव करने के बाद आउटरो भी वही वाला पेस्ट कर देता हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा दोनों मतलब बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और एक अच्छी सी लुक देते हैं। उसके बाद देखें अगर आप इसको एडिट वगैरह कुछ भी करना चाहो तो आप यहाँ पर जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे जो पेन वाला टूल आ रहा है तो एडिट होने लग जाएगा, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको शेयर करनी है वाली रेसिपी तो आप शेयर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेव करनी है जैसे आप सेव द रेसिपी पर क्लिक करते हो तो देखें यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ सिनेमैटिक लुक 1, देखिए मैंने इसको एक टाइटल दे दिया और इसमें क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये रेसिपीज़ मेरी दो आ गई, जो मैंने उस दिन वाली वीडियो जो एडिट की थी उसकी रेसिपी भी मैंने सेव कर ली थी, और देखें यहाँ पर भी एक रेसिपी आ गई है। जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे जो फर्स्ट वाला सेक्शन आता है उसमें देखें एक रीसेंट का ऑप्शन आ जाता है और एक ऑप्शन आता है रेसिपी का, जैसे आप रेसिपीज़ में जाओगे वहाँ पर सिंपली आप जाके
रेसिपी उस पर पेस्ट कर सकते हो और आपकी वीडियो बिल्कुल इसी क्वालिटी की हो जाएगी जैसे पहले। तो उसके बाद अगर आप जैसी अगर आपको वीडियो वाली सेव करनी है, आप जैसे इस वाले टिक वाले मार्क पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, 720p और ओरिजिनल 1080p। तो आप 1080p पे क्या करोगे कि जो सिनेमेटिक वीडियोज होती है जितनी उनकी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छा लुक देंगी, ड्रोन शॉट्स वगैरह। ये ब्लॉगिंग के लिए भी, हर कैटेगरी के चैनल के लिए, जैसे मेरा एक जो लाइट रूम ट्यूटोरियल्स वगैरह का अनबॉक्सिंग वगैरह का चैनल, तो उसमें भी मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ। आप हर वीडियो में अपनी कलर ग्रेडिंग लाजमी क्या करो ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दें। ओरिजिनल में जैसे आप क्लिक करोगे वैसे भी ओरिजिनल ही डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ होता है, सिंपली आप एक्सपोर्ट पर जैसे क्लिक करोगे वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। उसके बाद लेकिन आपके मोबाइल में थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए और जैसे ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके मोबाइल में खुद ब खुद ये सेव हो जाएगी, और जैसे मतलब जो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सेव, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मस्ट कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अगर आपको मेरे कंटेंट वाइज कोई भी क्वेश्चन हो तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। अगर आपको मेरे कंटेंट में कोई भी इंप्रूवमेंट वगैरह करवानी हो तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं उसका रिप्लाई भी एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। कमेंट में अभी आपने सजेशन दे दिया करो कि मैं किस टाइप की वीडियोज आड़ लाऊँ, उसका रिप्लाई भी मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। और यार आज आपको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा, जैसे 14 अगस्त वाली जो वीडियो थी उसमें भी ये वाला बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं ये उस वाली वीडियो मैंने बताया था ये दूसरा रूम है, वो वाला दूसरा रूम है जिसमें मैं शूट करता हूँ, ज़्यादातर वैसे मैं उसी में शूट करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस वाले में भी शूट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जैसे गेस्ट वगैरह अगर अभी आए हुए तो इसलिए मैं वहाँ पर शूट नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो पसंद आई जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो मत से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। भाई को दुआओं में याद रखना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।